कोरोना संकट में त्योहारों की चमक फीकी हो गई है। नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा पंडालों से रौनक गायब है। दशहरे पर रावण दहन और दिवाली के दिए को लेकर भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। इसका असर इन व्यवसायों से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। ये कोरोना का असर है। देश के सबसे बड़े त्योहारों में शुमार दुर्गा पूजा, दशहरा और 20 दिन बाद दिवाली फीकी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान ढाक वादन बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ कलाकारों को ऑर्डर तक नहीं मिले। वहीं दशहरा मेला और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की पुतला दहन के कार्यक्रम भी नाके बराबर हैं। घरों की सजावट और पूजा में खास मिट्टी के दिए की डिमांड भी नहीं आ रही। आप टीवी स्क्रीन पर मुर्शिदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में तितारपुर गांव दशहरे के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए दूर दूर तक मशहूर है। यहां दशहरे के महीने दो महीने पहले से पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता था और ऑर्डर इतने कि पूरे में हर परिवार के सदस्य को पुतलों की डिमांड को पूरा करने के लिए जुटना पड़ता था, लेकिन इस बार पूरा त्योहार ही फीका है। हालांकि गाँव वालों ने इस बार खास कोरोना रावण तैयार किया है। उम्मीद है कि इसके जलने के बाद देश से कोरोना संकट दूर होगा। इस सारे बिजनेस पर पड़ा कि रावण हर साल जिस तरीके से ततारपुर में बनाए जाते थे, इस बार क्या हालात है? मैम, काफी असर पड़ गया लॉकडाउन की वजह से और इस बीमारी की वजह से, इसलिए हम ये रावण बना रहे। कोरोना वायरस का जो रावण है कि इसको जलाएं और जल्दी से जल्दी ये बीमारी पूरी दुनिया में से खत्म हो। हमारे जो पहले हम रावण बनाते थे, इस बार हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हमारे रावण बिकने मुश्किल हो रहे हैं, कस्टमर भी बहुत कम आ रहे हैं, सिर्फ बुकिंग के आ रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। देश में दशहरा और दिवाली को खरीदारी के लिए सबसे खास माना जाता है। इस बार लोगों के हाथ तंग है और इसका असर सीधे सीधे बाजार पर पड़ रहा है। खासकर त्योहारों से जुड़े व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए हैं, जिससे इन व्यवसाय से जुड़े परिवारों के सामने जीवन यापन का संकट गहरा गया है। विजयदशमी पर जब ये कोरोना रूपी रावण जलाया जाएगा तो यहाँ और देश भर में जो लोग हैं उन्हें कोरोना से किस तरीके से निजात मिल पाएगी? कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18, दिल्ली।